Good morning students, welcome to EVS class. Today our topic is the animal word. In our previous video, we are discussed about animals that move in groups, animals that are shy. कि animals जड़े ग्रुपां में जाते हैं तो animals जड़े शर्मिले होंगे कि ग्रुपां च नहीं रहेंगे. अज असी रीड करांगे रिलेशनशिप इन नेचर कि कुदरत दे नाल रिलेशनशिप उन्होंने. White birds called cattle, eagles live near large animals such as cows, buffaloes, elephant and deer. They eat the insect that associate with the cattle. Eagles often perch on the back of large animals. असी चिट्टे जे जेडे birds हैं वो देखे होंगे. White birds जेडे होंगे उन्होंने cattle eagles बोलते हैं. यह वड्डे जानवरों के कोल जिमें काओ होगी मझां गावं हाथियां हिरणा के आले दुआले घूमते रहेंगे. ये जो बॉडी में होंगे बॉडी के उपर कोई इनसैक्ट होंगे जिदा आप बोल दें कि मझां गावं नूं कि चिचड़ वगैरह जिमें पै जाते हैं उस चीज़ नूं ये कट के खाते हैं तां करके ये उन्होंने आले दुआले रहेंगे. ऑफ स्पीकर आर स्मॉल बर्ड्स दैट राइड ऑन लार्ज एनिमल सच एज ऑक्सन राइनोज एंड जिराफ एंड पिक द इनसैक्ट ऑफ देयर बॉडीज. ऑक्स पीकर एक जड़े स्मॉल बर्ड्स होंगे छोटे छोटे उन्होंने ऑक्स पीकर बोलिया जाता है. वह वड्डे एनिमल्स तो जिमें बल्द हो गया जिराफ वगैरह हो गए उन्हों तो भी इनसैक्ट खाते हैं. Egyptian plovers is a tiny bird that cleans the teeth of crocodile by sitting inside their mouth. The crocodiles never shut their mouth or try to eat it. एक bird है छोटा bird होंदा है Egyptian plover. ये जड़ा bird है ये crocodile दे दंद साफ करता है दंदा चो इनसैक्ट कड़ता है जां होर वेस्ट मटीरियल कट के खाता है पर कभी भी crocodile अपना मुँह नहीं बंद करता ते ना ही इन्हों कभी खाने की कोशिश करता है. नैक्सट हैगा आ बिग ईयर स्मॉल ईयर कि छोटे कन ते वड्डे कन. एनिमल्स हीयर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स कि एनिमल्स आ जिहड़े ओह कन्नां दे नाल सुणदे आ बट मोस्टली असी देखते हैं कि कई एनिमल्स आ जिन्हां दे कन्न नहीं होंदे मोस्टली बर्ड्स ते किसी दे भी कन्न नहीं होंदे पर फिर भी ओह सुणदे आ. ईयर्स मे बी ऑफ मैनी साइज एंड शेप्स ईयरस जड़ियाँ बहुत सारे आकार बनकर होंगे. बिग ईयरस में लुक फनी बट दे कैच आ लॉट ऑफ साउंड जोड़े व्डे कान होंगे वह देखने तो बहुत ही फनी लगते सानू पर जड़े बहुत सारी आवाज़ न कैच कर सकते कि फट सकते हैं. बर्ड्स एंड फॉक्सिस यूज देयर बिग ईयरस टू फाइंड प्रे एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज कि जोड़े चमगिदड़ वगैरह ज लूंबड़िया होंगे ये अपने जोड़े कान इन्हे जोड़े कान ये कि एनिमल्स तो जो भी प्रे वगैरह होंगे उन्होंने फड़न हेल्प करते हैं तो दूजे जानवरों को भी बचाते हैं. अ पोलर बियर हैज स्मॉल नर्व्स फॉर ईयर इट फ्लैटन्स देम अगेंस्ट इट्स हेड टू स्विम फास्ट इट कैन क्लोज इट्स ईयर कंप्लीट टू कीप द वाटर आउट. जोड़े पोलर बियर होंगे वो जोड़े कान थोड़े फ्लैट जे होंगे तो छोटे होंगे वह अपने कना की मदद के नाल जोड़ा कि वह पानी में तैरता है. इसके जोड़े कान होंगे वो इसके सिर तो पानी पिछा फुटते हैं. बर्ड्स हैव टू होल्स इन देयर हैड बट नो आफ्टर ईयर कि बर्ड्स के जड़े सिर उपर दो होल होंदिया दो मोरिया शेक होंगे पर कोई बाहरला कान नहीं सानू देखता. दिस अडेप्टेशन हेल्प्स बर्ड टू कंट्रोल देयर स्पीड वैन दे फ्लाई अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कि इस दे नाल वो जो दो शेक आ इस अडेप्टेशन दे नाल बर्ड्स जड़े वो अपनी स्पीड आ जड़ी वो उड़दे टाइम वधा उपर नू वधा घटा जा नीचे नू वधा घटा सकते हैं. बर्ड्स कैन हीयर साउंड्स विच ह्यूमन कैन नॉट हीयर कि पंछी वह भी आवाज़ सुनते हैं जिहड़े मनुख नहीं सुन सकते. अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द एयर
can hear the sound of fish jump in the water below or sound of insect in the shifting desert sand. ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਜੰਪ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਲੁਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਈਅਰਸ ਹੈਲਪ ਦ ਐਨੀਮਲ ਲੋਕੇਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ. ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੀ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਮੂਵ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗ ਹੀ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸਨੇਕਸ ਡੂ ਨੋਟ ਹੈਵ ਈਅਰਸ, ਸਨੇਕ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਨੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਥੈਂਕਸ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬਿਗ ਈਅਰਸ ਸਮਾਲ ਈਅਰਸ.